चल यार चल सवार चल दुनिया नहीं है बबल। यार माँ जी आपकी बहू ने मुझे बड़ा ही तंग किया। पुत्र मुझे बताओ क्या किया इसने ताकि मैं इसे ठीक करूँ। माँ जी कहती है मैं सारा सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ, मुझे नौकरी करनी चाहिए, ये को करने वाली बात है? उसकी ये हिम्मत कि वो तुझे नौकरी का कहे, करोड़ों की जायदाद का मालिक अब नौकरी करेगा? कौन सी करोड़ों की जायदाद मुमताज? हाँ मुमताज की सारी जायदाद का कला वारिस जमील ही तो है। नबील पापा ने तुमसे बात करनी है। ओ जानू मुझे किसी पापे पुपे से बात नहीं करनी, मैंने सुबह नाश्ते में पापा खा लिया था यार। हेलो हाँ पापा आप स्पीकर पे हैं, नबील सुन रहा है बोले। हाँ नबील भाई मैंने तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है, 2 बजे पहुंच जाना। तो पापा जी आपको तो पता है मैं भाग दौड़ वाला काम नहीं कर सकता, कोई ऐसी नौकरी हो कि मैं सारा दिन दफ्तर में बैठा रहूं। अरे भाई ऐसी ही नौकरी है, सारे दिन बैठना ही है। अच्छा आपको पता है ना पापा जी कि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, एसी की आदत है मुझे। ओ भाई एसी ही में बैठोगे सारा दिन तुम? अच्छा पापा जी फिर देख लें, तनख्वाह जो है ना वो 2.5-3 लाख रुपया होनी चाहिए, आपको पता है कितनी महंगाई और घर चलाना कितना मुश्किल है। हाँ हाँ तुम्हारा घर आराम से चलेगा, फिक्र मत करो तुम। पापा जी बस आखिरी एक बात, मुझे ना गाड़ी बड़ी चाहिए, काले शीशों वाली। अरे हर महीने एक नई गाड़ी होगी, तुम फिक्र ना करो, बस आराम से इंटरव्यू के लिए पहुँचो। थैंक यू पापा जी, थैंक यू वेरी मच। जानू एक काम करो, जैकेट मेरी निकालो और मेरे जूते पॉलिश कर दो। शट अप नबील, इट्स नॉट ओके जानू, 2 बजने में थोड़ा टाइम रह गया जानू। चुप है, सुना नहीं? मेरा पुत्र इंटरव्यू के लिए जा रहा है, जल्दी से तैयारी कर। अब मेरा पुत्र कमाऊ पूत हो गया है, अब नहीं अकड़ चलनी तेरी इस घर में। पूछो जल्दी करो ना यार, मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगा भाई। टाइम देखो जानू, टाइम कम है, मुकाबला साफ। नबील नबील वहां तुमने ना मेरे लिए भी किसी नौकरी का बंदोबस्त करना है। हां सर टेंशन ना ले यार, मैं आपको अपना असिस्टेंट रख लूंगा, अभी उधर जल्दी जरा मैं जाकर तैयार हो जाऊं। आप बताएं वक्त कम है, मुकाबला साफ। ठीक है बोम्बो, तुम्हें मुबारक हो यार, तुम्हारे बच्चे की नौकरी का बंदोबस्त हो रहा है। माशाल्लाह बच्चा बाप को भी लगा देगा ना नौकरी पे। ना भी लगाए बस खर्चा पानी देता है। ये ना याची करेंगे आप। बहुत बहुत मुबारक हो नवीन मियां। बहुत मुबारक हो नवीन। मैं ना पूरे 10,000 किराया बताऊंगी, खैर से लखों की नौकरी लगी है। खबरदार जो मेरे पुत्र पर नजर लगाई हो तो। चुपे नबील, मेरी नौकरी की भी बात कर लेना, तुम भले एक ही ऑफिस में 2 कुर्सियां लगवा लेना, मैं वहीं बैठ जाऊंगा। अरे मूसा मुझे काम के वक्त मुकम्मल सुकून चाहिए होता है यार, और आपका अगर बड़ा सारा मुंह मेरे सर पे सवार रहेगा तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा? यार नबील ऐसा तो मत कहो यार, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है यार, मैं आपकी कुर्सी जो है ना वो अपने ऑफिस के बाहर लगवा दूंगा, अब ठीक है? मुझे मंजूर है, लेकिन बस तनख्वाह तुम्हारे जितनी लूंगा मैं। ओहो क्यों फजूल में टाइम जाया कर रहे हो, उसको जाने दे। नबील मेरी बात गौर से सुनो, बिल्कुल रिलैक्स हो के आराम से सारे सवालों का जवाब देना है। हाँ पुत्र, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, तो सी फॉर छोटा एप्पल। ओए चलिए उन्होंने ऐ सवाल थोड़ी पूछने, उन्होंने तो हिसाब के सवाल पूछने, हिसाब में मैं बहुत चंगी हूँ। 1 2 2 2 4। अरे भी नबील मियां, हम तो ये कहते हैं आप जाते ही हमारा कोई फड़कता हुआ शेर सुना दीजिएगा। इस सिचुएशन पर शेर अर्ज किया है। नहीं नहीं अभी नहीं, प्लीज नबील तुम जाओ, तुम्हें जा रहा हूँ जा रहा हूँ जानू, चलो ये संभाल लो, मेरी अगली शादी पे काम आएगा। खुदा हाफिज़ नबील। शुक्र है अल्लाह का, या अल्लाह इसे नौकरी मिल जाए। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन सर? वे अंदर तो तुम आ चुके हो। वो बेसिकली सर मैं मजीद अंदर आने की इजाजत मांग रहा था, मैं बैठ जाऊं? हाँ बैठो बैठो। कौन हो तुम? सर मैं नबील, बुलबुले वाला, खोई वाला, मलाई वाला, सदीकी साहब का दामाद सर। वो मेरा ख्याल है उन्होंने आपसे सारी बात कर ली होगी। ओ तो तुम नबील हो? जी सर। हाँ हाँ सदीकी ने बताया था तुम्हारे बारे में। बड़ी तारीफें की होंगी पापा जी ने। बड़ा प्यार करते हैं मुझसे, लाडला हूँ ना मैं उनका। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुम इतना तैयार होकर क्यों आए हो? सर इससे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए? अरे नहीं भाई इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। तो क्या मतलब सर कि बगैर इंटरव्यू के मेरी जॉब पक्की? हाँ वो बात हो गई थी सदीकी से, तुम्हें इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम चाहो तो तुम अभी से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर,
लेकिन सर आपको ना मुझे ऑफिस बुलाना चाहिए था ताकि मैं अपने स्टाफ से मिल लेता। ऑफिस? अरे तुम ऑफिस आके क्या करते, तुम्हारा तो सारा काम ही घर पे। घर पर सर? हाँ हाँ। अरे भाई बाहर जाके सैलून क्वार्टर से अपना यूनिफॉर्म लो और अभी से ड्यूटी ज्वाइन करो। यूनिफॉर्म? कैसा यूनिफॉर्म सर? अरे ड्राइवर का यूनिफॉर्म भाई, सुबह 8 से रात 8 बजे तक की ड्यूटी है तुम्हारी। भाई 30,000 तुम्हारी सैलरी होगी, सुबह का नाश्ता तुम घर से करके आओगे, दोपहर का खाना और शाम की चाय हम तुम्हें दे देंगे। चलो चलो चल के काम पे लगो। क्या? ऐसी सूरत हाल में भी कम से कम निका जा एक मिठाई का डब्बा तो लाना चाहिए था ना। अरे मिठाई का डब्बा तो वो तनख्वाह वाले दिन लाएंगे, बल्कि जो ही तनख्वाह वसूल करेंगे ये हम सबको बाहर ले जाएंगे और डिनर कराएंगे। क्यों नबील मियां, कैंडल लाइट डिनर ठीक है? मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। ओह ये क्या बात हुई, जब काम करोगे तो तनख्वाह भी लेना ना। मैंने कोई काम नहीं करना, माफ कर दें आप लोग मुझे। भाई क्यों नहीं करना भाई, हम मैंने तो सोच के भी रख लिया था पूरे 10,000 किराया बताना है। देख भाई ये नौकरी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अरे इत्मीनान रखिए जोजी बेगम, इत्मीनान रखिए, हम समझाते हैं ना नबील मियां को। अरे नबील मियां इतनी अच्छी नौकरी, आपकी जगह हम होते तो हाथ से जाने ना देते। सारा दिन ठंडे ठंडे एसी में बैठना है, शानदार गाड़ी और शानदार तनख्वाह। अरे कुछ शानदार नहीं है, ड्राइवर की जॉब है यार, सारा दिन गाड़ी चलानी है और तनख्वाह दे रहे हैं 30,000 रुपया। अगर आपको बहुत पसंद आ रही है तो जाए आप कर ले। इंटरव्यू मिल गई जॉब? मैं ठोकर मार कर आ गया उस जॉब को। क्यों? तुम तो उस जॉब के लिए बहुत खुश थे नबील, मैं तो अभी पापा को फोन करके थैंक यू कहने वाली थी। तुम्हारे पापा को भी अच्छी तरह सुना के आ रहा हूँ मैं। क्या क्या कहा तुमने पापा को? वही जो मुझे कहना चाहिए था, उन्हें अपने दामाद की रेपुटेशन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं यानी नबील बुलबुले वाला खोए वाला मलाई वाला एक ड्राइवर की जॉब करे। ड्राइवर की जॉब? हाँ, और वो भी 30,000 रुपए तनख्वाह। इतनी मामूली तनख्वाह पे मैं कैसे काम कर सकता हूँ? 30,000 तो मैं आंखें बंद करके उड़ा देता हूँ। कहाँ उड़ा देते हो नबील, मैंने तो नहीं देखा आज तक। तुम ये कहना चाहती हो कि करोड़ों की जायदाद को होने वाला मालिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए में जॉब करेगा? इसमें क्या बुराई है नबील, शायद पापा तुम्हें चेक कर रहे हो कि तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो और उसके बाद तुम्हें कोई बहुत अच्छी जॉब दे दें अपनी फैक्ट्री में। मैं उस फैक्ट्री में काम करने वाला नहीं हूँ, जब तक वो फैक्ट्री मेरे नाम नहीं होती मैं उस फैक्ट्री में कदम नहीं रखूंगा। देखो नबील जॉब तो तुम्हें ये करनी पड़ेगी, वरना वरना क्या? वरना तुम इस घर में नहीं रह सकते। ठीक है, मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ अभी और इसी वक्त। ओके बाय। अरे नबील नबील, अरे सुनो तो, अरे नबील, अरे खाली हाथ आ गयो यार, आते हुए को मिठाई ले आना था, मुंह मीठा कर लेते यार। कोई नहीं, मेरा पुत्र भूल गया होगा। जा पुत्र जल्दी से ना नस के 1 किलो गुलाब जामुन तो 1 किलो चमचम ले आ। माँ जी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। धोखा? कैसा धोखा भाई? महमूद साहब, पापा जी के दोस्त ने मुझे ड्राइवर की जॉब के लिए बुलवाया था और तनख्वाह सिर्फ 30,000 यार। ऋषभ ना, तो फिर तूने क्या किया? मैंने क्या करना था माँ जी, मैंने साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल ठीक किया पुत्र, अब मेरा शहजादा पुत्र ड्राइवर की नौकरी करेगा। नबील ये तो बहुत ही बुरा हुआ यार तुम्हारे साथ, तुम्हारी कितनी बेइज्जती हुई होगी वहाँ। अरे मैं वो सब यहाँ आके ज्यादा बेइज्जती हुई है, खूबसूरत ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या उस चड़ेल की इतनी जुरत के वो तुझे घर से निकाल दे? हाय पुत्र अब तू कहाँ जाएगा, तुझे तो भीख मांगने भी नहीं आती। माँ जी मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप दोनों भी तो मेरे साथ चलेंगे ना यार। नबील अब हम इस उम्र में कहाँ दर दर ठोकरे खाते फिरेंगे यार। पुत्र मुझे तो इधर ही रहने दे, मैं इस घर में रह के ना खूबसूरत का जीना हराम कर दूंगी। माँ जी आप भी मेरा साथ नहीं देंगी? पुत्र मैं इस बुढ़ापे में अब तेरे साथ फाके तो नहीं काट सकती ना। माँ जी
अल्लाह तेरा भला करे, मत रो मत रो, मां मेरे कंधे पे सर रख के रो। तेरे साथ भी फाकी नहीं काट सकती मैं काटने भी नहीं दूंगा। अरे जोजी बेगम, जोजी बेगम। अरे भाई नबील मियां, कहां की रवानगी है? ओहो सदके जावा, मुझे तो लग रहा है जरूर इसकी बीवी ने ना इसे चंगी चाड़ पे आई है, इसीलिए तो दोबारा नौकरी ज्वाइन करने जा रहा है। जी नहीं, मैं ये घर छोड़ के जा। क्या नबील मियां, खूबसूरत तो आपके बगैर बिल्कुल अकेली हो जाएंगी, बल्कि दुखी हो जाएंगी। मुस्तकीम साहब, उसी ने मुझे घर से निकाला है, बड़े दुख दिए हैं उस औरत ने मुझे। आप दोनों ने गवाह रहने जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब। ओ हाय तौबा तौबा, वही बड़ी कोई शातर ते मकार कुड़ी है। लेकिन नबील मियां, अब ये फरमाइए कि आप तशरीफ कहाँ ले जाएंगे? जाना कहाँ है मुस्तकीम साहब, इधर उधर धक्के खाऊंगा? हाँ अगर कोई खूबसूरत और अमीर लड़की मिल गई और उसने मुझसे तरस खा के शादी कर ली तो वहीं सेटल हो जाऊंगा, लेकिन आप लोगों की याद बहुत आएगी। हाय लहरते चला गया। अब उस कुड़ी ने ये करना है कि अपने सास सौरे को निकाल बाहर करना है, फिर उसने चले जाना अपने पापे को। अरे जोजी बेगम, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। अब ऐसा कीजिएगा, कोई मोटी असामी नए किराएदार रख लीजिएगा। और रखते मैं लवा, ये तो 3 महीने का बैलेंस इनका रह गया, उसका क्या करूंगी मैं? हाँ इसके लिए आप खूबसूरत से बात कीजिए फौरन। आहो मैं खूबसूरत से ही बात करती हूँ, ले चखा लो उन मनुसाले। आइए प्लीज आगे। अरे इतनी सी छिलते रहे, मीए को देखो कैसे आगे लगाया हुआ यार। ऐ तबस्सुम बुरा, तुझे शर्म नहीं आई तबस्सुम? खूबसूरत माँ जी, आज तू जितनी तारीफें कर ले ना, मैंने तुझे माफी नहीं देनी। तूने मेरे कलम कल्ले खलौते पुत्र को घर से निकाल दिया। जी निकाल दिया, अब मैं उसका खर्चा नहीं उठा सकती। अभी उसका खर्चा उठाने के लिए उसका वो जिंदा है रिशिदा। वो कौन मामा? वो जो माँ का शोहर होता है। बाप? हाँ अभी उसका बाप जिंदा है रिशिदा। अरे मोमो मैं उसके खर्चे कैसे उठाऊंगा भाई, मैं तो खुद पेंशन पे हूँ। ओए खूबसूरत, जे तू अपने पापे को जाना है ना तो बेशक जा, पर मेरे पैसे क्लियर करके जाने ने तू, ठीक है? नाले मोटर दे पैसे ते 850 रुपए 75 पैसे नबील ने लेने मेरे को। मैं कहीं नहीं जा रही जोजी आंटी, मैंने तो नबील को निकाला है। हाँ अगर माँ जी और महमूद साहब कहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अरे नहीं भाई, हम अपनी बेटी जैसी प्यारी बहू को छोड़ के क्यों जाएंगे भाई? हाँ मोमो। हाँ जी इतनी प्यारी है मेरी बच्ची, मैं सदके जाऊँ बिल्कुल नाखन जैसी। ये इतनी टेंशन दी कि इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या चाहता था वो, मरन तो पहला सिर्फ फैक्ट्री संभालना चाहता था। माँ जी मरा नहीं है, बेहोश हुआ है नबील। वैसे शाबाश है, तू ही कोई राज्य के बेहिस औरत है। मियाँ बेहोश पड़ा हुआ, इसके नखरे नहीं मुकरे ना, तू चाहती क्या थी? मर जाए टॉमी नबील। इस गुनी औरत ने टेंशन दे दे के मेरे बच्चे का ये हाल किया। मैंने क्या किया है माँ जी? खूबसूरत टेंशन तो तुम देती हो ना उसको। अब देखो नबील जैसे निकम्मे आदमी के लिए नौकरी की टेंशन कम है कोई? भाई बेचारे किस कदर खुश थे जब इंटरव्यू देने जा रहे थे। आपके पापा को पहले बता देना चाहिए था कि ड्राइवर की जॉब है। एक ये मीसनी तो एक इसका पापा मीसना, ये दोनों है ही मेरे पुत्र के दुश्मन। ओह ये बातें बाद में करें प्लीज। मुस्तकीम साहब, महमूद साहब प्लीज नबील को उठा कर अंदर लेकर चले। उठा के कैसे ले जाए, इतना वजनी है। डंडा डोली करो, डंडा डोली के ले जाते हैं। तो कसीद के लेके जाए ना। आ जा आ जा। वो क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक तो है, बस तुम्हारा पेट खराब है। तो क्या पेट खराब होने की वजह से नबील बेहोश हुआ है? भाई मेरा पेट खराब है तो नबील बेहोश क्यों होगा भाई? भाई आपसे हम तो नबील का पूछ रहे हैं ना। नबील? ओ हाँ भाई, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है भाई। क्या क्या? हाँ भाई उसको लाखड़ा काटना हो गया। ओए शाबाश, ओ इतनी मोहलक बीमारी हो गई मेरे पुत्र
पुत्र को, अब नहीं बचना उसने। हाँ भाई, एक महीना पहले नबील भाई मेरे पास आए थे, हमने उनके टेस्ट किए थे, उन टेस्टों की रिपोर्ट को देख के मैंने अंदाजा लगा दिया था कि अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ओए, तो क्या नबील ने खाली एक महीना ही जिंदा रहना है? भाई मेरे हिसाब से उस वक्त एक महीना था, लेकिन अब जो नबील भाई की कंडीशन है ना, उसको देख के लगता है कि बस एक दो दिन में आप लोगों से रुख्सत ले लेंगे। भाई इसीलिए खुशी खुशी नबील मियां इंटरव्यू देने चले गए थे, वो सोच रहे होंगे कि मरने से पहले मैं अपनी कमाई अपनी माँ के हाथ में रख सकूं। भाई मेरा पुत्र, ये सब कुछ जिटेन की वजह से हुआ है, इसकी वजह से मेरे पुत्र ने इतनी टेंशन ले लिया, बीमार पड़ गए और मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे भाई इस वक्त आप लोग सिर्फ नबील भाई का सोचे, आपने बस उन्हें खुश रखना है, बस भाई उनसे प्यार से बात करें, ये ना हो कि दो चार दिन के बजाय उनका आज और अभी आखिरी वक्त आ जाए। अच्छा बिल्कुल ठीक, हाँ डॉक्टर साहब, आपको मैं बाहर तक छोड़ रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आधी एपिसोड के बाद तो बुलाते हो, ऊपर से एक सीन नहीं बात नहीं, मैं तो आखिर तक ही रुकूंगा, हो सकता है नबील भाई को मेरी जरूरत पड़ जाए। क्यों भाई? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा, और बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। सॉरी नबील, मुझे नौकरी को लेकर तुमसे लड़ना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं जानू, तुम्हें कहां पता था कि मैं मरने वाला हूं? बस मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश थी, सोचा था जॉब करके पूरी कर लूंगा। तो तुम मुझे बताओ ना नबील, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? चल सोचा था एक ब्रांड न्यू नए मॉडल का मोबाइल लूंगा, मेरे जाने के बाद तुम यूज कर लोगी। खैर अब तो मेरे पास 4-5 दिन ही रह गए। नबील तुम उदास मत हो, तुम्हारे लिए फोन मैं मंगवा लूंगी। सच जानू? मैं वो साहब, मैं वसीयत करना चाह रहा हूँ आपको। मोमो ध्यान से सुनो, शायद हमारे इससे भी कुछ आ जाए। वो साहब, मैंने भट्ट साहब से 5 लाख रुपए लिया और 2.5 लाख शेर खान से। 7.5 लाख? आप मेरे बाप हैं, आपको मेरे मरने के बाद ये सारा कर्ज चुकाना है। नबील इतने सारे पैसे मैं कैसे चुकाऊंगा भाई? दिल बेच दे अपना। ओ माँ जी, दिल नहीं गुर्दा, दिल तो ये मुफ्त में इधर उधर बांटते फिरते हैं। फिर मैं वादा करती हूँ तुझसे, तेरे मरने के बाद ना गिन गिन के उस डायन से मैंने सारे बदले लेने हैं। थैंक यू बाजी। आप तो इतनी बुसी भी शक्ल बना के बैठे, रोक यार। अब आप इतना क्यों रो रहे हैं? मेरी बाल, मेरी पसली तोड़ दी है लबीरा। अरे नबील मियां, जाने से पहले अपनी कोई निशानी ही हमें देते जाइए। अरे नबील मियां, क्या है भाई ये? ये मेरे धोबी अली इमरान का बिल है, जो मैंने पिछले 2 महीने से नहीं भरा, ये आपने भरना है। क्यों भरेंगे पैसे? मरने के बाद भी ऐसी पैसे ही पड़ते रहिए। मैं तो सोच के बैठी हुई थी किराया बताऊंगी। जोजी बाजी, मेरे मरने के बाद मेरी माँ को घर से मत निकालिएगा। हाल बता महमूद साहब को अगर आप लोग चाहें तो धक्के मार मार के निकाल दीजिएगा। मेरी माँ को अपने साथ रखिएगा, वरना मेरी रूह इस घर में भटकती रहेगी आपके आसपास। अरे नबील मियां, बेफिक्र होके इत्मीनान से मरिए, हम मुमताज बहन का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। मारवी। आपको क्या हो गया है? तुम्हें नबील भाई के जाने का इतना दुख है ना खूबसूरत? दुख तो होगा, शौहर है मेरा आखिर। पापा इतना समझाते थे मुझे कि किसी डॉक्टर इंजीनियर या लॉयर से शादी कर लो, अब नबील मरने वाला है, मेरा क्या होगा? खूबसूरत तुम अब भी अपने पापा की बात मान सकती हो भाई। क्या मतलब? मतलब ये कि नबील भाई के जाने के बाद तुम फिर से शादी कर सकते हो भाई। कोई एक बेवा और एक बच्ची की माँ से क्यों शादी करेगा डॉक्टर? अरे भाई अच्छे लोग हैं अभी इस दुनिया में, अपने
आस पास देखो ना भाई। आस पड़ोस वाले तो सारे बड़ी उम्र के अंकल टाइप हैं। अरे भाई मैं पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा, अपने करीब देखो, बहुत करीब। हो सकता है कोई आस पास लाइक फाइक डॉक्टर भी हो। मैं कहीं नहीं देखना चाहती, जब तक नबील जिंदा है ना मैं कुछ सोच भी नहीं सकती। नबील के जाने के बाद देखा जाएगा। नबील के जाने के बाद देखा जाएगा। माँ जी, माँ जी। हाँ जी। मैंने इस घटिया आदमी को नहीं छोड़ना। पुत्र इनकी जान बख्श दे, तेरे जाने के बाद यही बड़े मुंह वाला मेरा आखिरी सहारा है। तो माँ जी मैं महमूद साहब की बात नहीं कर रहा यार। तो फिर किसकी बात कर रहे हो नबील? मेरा ख्याल है तुम जरूर उस घटिया मुस्तकीम की बात कर रहे होगे। ओ यार मैं उस पागल डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ पुत्र, उसने तुझे कोई गलत इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया? नहीं माँ जी, मैंने अभी अभी बालकनी से देखा है, वो खूबसूरत को लाइनें करा रहा था, उल्टी सीधी पट्टियां बढ़ा रहा था, मेरे मरने के बाद की प्लानिंग कर रहा था। और तो और माँ जी, उसने मेरे मरने के बाद खूबसूरत को दूसरी शादी का ख्वाब दिखा दिया। मैंने हर केस उसको ना दूसरी वो करने की इजाजत नहीं देनी, अगर वो चली गई तो हमें कौन पालेगा? हाँ मोमो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो यार आप लोग फजूल बातें छोड़े यार, मेरे साथ चले उस डॉक्टर का दिमाग ठीक करते हैं। चल मैंने भी ना उस मशीन को ऐसे चपेड़े लगानी है, याद करेगा। अब कैसी तबीयत है खूबसूरत पुत्र नबील की? बस वैसे है जोजी आंटी, कोई बेहतरी नहीं है। खूबसूरत तुम अंदर से इतनी बदसूरत हो, तुझे शर्म नहीं आई शुभाना? मैंने क्या किया है माँ जी? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी खूबसूरत। हाय हाय, पर ऐसा क्या कर दिया खूबसूरत ने? भाई जरूर लाहौर की टिकट कटवा ली होगी, और वो भी सिर्फ अपनी नहीं, मेरे मरने से पहले इस औरत ने दूसरी शादी की बातें शुरू कर दी है, वो भी इसी घर में मेरी आंखों के सामने। लेकिन मैंने तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होने देना। क्या नबील, मेरी बात तो सुनो। और नहीं सुननी मुझे किसी की बात। इतना बड़ा धोखा मुझसे, इतना बड़ा धोखा। नबील भाई, नबील भाई, ये डॉक्टर, ये अनाज का दुश्मन, ये आटे का वैरी, ये मेरी बीवी को पट्टियां बढ़ा रहा है, शादी करना चाहता है मेरी बीवी से तू है? नबी भाई, आप ठंडे हो जाइए आराम से, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, प्लीज अल्लाह का वास्ता पानी पी लीजिए। ठीक है। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? ओ मैंने तो तुझे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए, वो तो भूल गया कि मैं कोई मरने मरने वाला नहीं हूँ। तूने तो शादी के ख्वाब देखने शुरू कर दिए मेरी बीवी के साथ। क्या नबील, इतना बड़ा झूठ? नबील भाई मुझे तो याद था, लेकिन खूबसूरत ने मुझे कहा कि आपके मरने के बाद वो दूसरी शादी का सोचेगी, इसलिए। इसलिए क्या है? इसलिए क्या? इसलिए मैंने आपके पानी में जहर मिला दिया था। क्या चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकल।